हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 5 दिसंबर 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर, आईपीएल की सभी टीमों को लेकर, दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सभी आईपीएल टीमों के उन प्लेयर्स के रिगार्डिंग जिनकी एवरेज एज हमारे निकल कर आ चुकी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी आईपीएल टीम में सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे यंग स्क्वाड जिस टीम ने बिल्ड किया है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिनके प्लेयर्स के एवरेजेस करीब करीब 25.4 साल निकल कर आती है। इनके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की एवरेजेज 25.6 निकल कर आती है। गुजरात टाइटन्स के प्लेयर्स की एवरेजेज है 27 साल, पंजाब किंग्स के प्लेयर्स की 27.12, दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स की 27.4, मुंबई इंडियंस की 27.6, चेन्नई सुपर किंग्स की 27.8, एसआरएच की 28.1, आरसीबी की टीम की 28.1 और केकेआर की 28.95, यानी कि करीब करीब 29 साल हमें एवरेजेस देखने को मिली है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है एक ऐसा बल्लेबाज जो कि करंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी ज्यादा धमाल मचा रहा है। लेकिन अगर हम आईपीएल के रिस्पेक्ट में बात करें तो आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें अनसोल्ड चले गए थे, तो ऐसे में उम्मीद है कि अगर किसी भी टीम को रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है तो ये प्लेयर उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी बनेगा और इस प्लेयर का नाम है उर्विल पटेल। दरअसल उर्विल पटेल ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सेलेक्ट ना होने के बाद पहले 28 गेंद पर सेंचुरी लगाई थी और उसके बाद इन्होंने 36 गेंद पर वापस से सेंचुरी लगा दी है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कोई इतनी छोटी मोटी ट्रॉफी भी नहीं होती है, बिल्कुल क्वालिटी प्लेयर्स भी वहां पर हमें खेलते हुए नजर आते हैं जो कि आईपीएल में भी खेलते हैं। तो ऐसे में अगर किसी टीम को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो उर्विल पटेल का नाम टॉप पर है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ की साइड से, जहां पर रिपोर्ट्स हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ हमें फ्यूचर में सीएसके की साइड से विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल करंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हमें विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, विकेट कीपिंग के साथ साथ ये नंबर 7 पर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले टाइम में हमें एमएसटी की भूमिका सीएसके की टीम में निभाते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि ये विकेट कीपिंग भी करेंगे, सीएसके की कप्तानी भी करेंगे और इसके साथ अगर जरूरत पड़ी तो ये हमें बैटिंग ऑर्डर में नंबर 7 पर आकर फिनिशर की भूमिका भी निभाते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है शेन वॉटसन की साइड से, जहां पर शेन वॉटसन ने पृथ्वी शॉ जो कि आईपीएल में अनसोल्ड चले गए थे उनको डिफेंड किया है। उन्होंने इनको कंपेयर किया अर्जुन तेंदुलकर के साथ, उन्होंने कहा कि उनकी नजर में पृथ्वी शॉ और अर्जुन तेंदुलकर के अगर आप लोग टैलेंट को कंपेयर करेंगे तो दोनों के टैलेंट में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, पृथ्वी शॉ कहीं ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं अर्जुन तेंदुलकर से। लेकिन अगर हम नेपोटिज्म की बात करें तो उसकी वजह से अर्जुन तेंदुलकर हमें आईपीएल में फिर भी सोर्ड आउट होते हुए नजर आ गए, लेकिन पृथ्वी शॉ को किसी भी टीम ने एक तरीके से अपनी टीम में शामिल नहीं किया, जो कि उनके हिसाब से काफी ज्यादा गलत है। तो उन्होंने उम्मीद जताई कि पृथ्वी शॉ आने वाले टाइम में और ज्यादा मेहनत करके वापस से आईपीएल में आ जाए, क्योंकि उनके हिसाब से भारतीय टीम के लिए खेलना डिजर्व करते हैं। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग इनके इस कंपैरिजन से अग्री करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से, जहां पर केकेआर की साइड से अपडेट है कि ये टीम अब अजिंक्य रहाणे को अपने नए कैप्टन के तौर पर देख रही है। दरअसल केकेआर की टीम की अगर बात करें तो इनकी टीम के पास अब ज्यादा कैप्टनसी के ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं, या तो ये सुनील नारायण या अनवीर रसेल में से किसी एक कैप्टन की तरफ देखेगी, या फिर अगर इनको भारतीय कप्तान चाहिए तो वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन इनके पास है। लेकिन अगर इन सभी प्लेयर्स में देखा जाए तो सबसे बेहतर ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे का, क्योंकि रहाणे हम सभी लोग जानते हैं कि कितने बेहतरीन कप्तान हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनकी कप्तानी आप सभी लोगों ने देखी होगी, इसके साथ ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है, काफी ज्यादा शांत भी रहते हैं। तो ऐसे में केकेआर के अगले कैप्टन के तौर पर हमें रहाणे का नाम देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और कैप्टन की बात हो ही रही है तो आरसीबी की भी बात कर लेते हैं, जहां पर आरसीबी की साइड से कुछ अपडेट्स आई थी, जिसके बाद कृणाल पांड्या को आरसीबी का नया कप्तान बनाए जाने के ट्रेंड हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले थे। हालांकि जब इस खबर के बारे में हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो ऐसी कोई भी न्यूज अभी तक नहीं है कि आरसीबी कृणाल को कैप्टन बना रही है। हालांकि कृणाल जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट टीम यानी कि शायद बड़ौदा को लीड करते हैं, तो ऐसे में अभी तक तो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि कृणाल पांड्या आरसीबी के कैप्टन बनेंगे। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग उनको आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है हरभजन सिंह की साइड से, जहां पर हरभजन ने सीएसके और एमएसटी के रिगार्डिंग एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज रिवील करी है। उन्होंने कहा कि एमएसटी के साथ खेले हुए उनको अभी काफी साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों में एमएसटी ने एक भी बार उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि 10 साल में धोनी ने उनसे बिल्कुल दूरी बना ली, ना तो धोनी से बात करते हैं, ना ही वो धोनी से मिलना चाहते हैं, और ना ही वो धोनी के टेक्स्ट या फिर कॉल जब भी वो धोनी को करते हैं तो धोनी उनका रिप्लाई करते हैं। इसके बाद वापस से काफी ज्यादा एमएसटी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रॉल हो रहे हैं। तो ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।